हेलो नमस्कार दोस्तों, 19 जनवरी 2018 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के साथ जो मेंस का क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज जो मेंस का क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो आज जो मेंस का क्वेश्चन है वो ये है कि यह बहुत वर्षों पहले की बात है जब नदियों को जोड़ने की संकल्पना की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, और अब यह एक तरीके से वास्तविकता का फॉर्म है वो लेते जा रही है। तो आपको ये बताना है कि नदियों से जोड़ने से क्या क्या लाभ हो रहे हैं गवर्नमेंट को या सभी लोगों को, इसी के साथ पर्यावरण पे इस चीज़ का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस चीज़ के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो पर्यावरण पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी डालनी है, नेगेटिव है वो भी, और इससे क्या क्या फायदा हो सकता है नदियों को जोड़ने से, तो वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन में लिखना है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो 250 वर्ड में अटैम्प्ट करना है। तो ये मैंने इस बार मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 का, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में थोड़ा आपको पॉइंट में बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको बताना है कि रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में, कि रिवर इंटरलिंकिंग है क्या। इसके बाद में आप किसी का एक एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे केन बेतवा रिवर का ले सकते हो या फिर कृष्णा और गोदावरी रिवर का, कि रिवर इंटरलिंकिंग की वजह से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो अगर केन बेतवा का एग्जांपल ले रहे हो तो उससे आप बता सकते हो कि बुंदेलखंड का जो एरिया है वहाँ पर पानी की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो जाएगी, तो जिससे वहाँ पर किसान है और जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, और उस एरिया में काफ़ी सूखा वगैरह पड़ता है तो वहाँ पर सोल्यूशंस है वो होगा। इसके साथ आप बता सकते हो कि जो डिसएडवांटेज है उसमें आप बता सकते हो कि पर्यावरण पे जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसमें आप एग्जांपल में दे सकते हो कि केन बेतवा रिवर को अगर इंटरलिंक किया जा रहा है तो उससे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका काफ़ी सारा एरिया वो सबमर्स हो जाएगा और पन्ना टाइगर रिजर्व डिवाइड हो जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है और इन्वायरमेंट को भी लॉस होगा और वहाँ पर जो स्पीसीज पाई जाती हैं फ्लोरा एंड फ्लोरा उनको भी नुकसान होगा। तो वो सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत इंक्लूड कर सकते हो। बेटर होगा कि आप एक एग्जाम्पल है वो आंसर राइटिंग में यूज करो, ताकि जो थोड़ा आंसर हो काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा और एक तरीके से थोड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट भी रहता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नीचे आपका जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके साथ जो फेसबुक जो वेबसाइट है welcomeupsc.com वहाँ भी आज एक्चुअली वो स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर भी आप आंसर राइटिंग वो कर सकते हो, फोटोज़ वगैरह के फॉर्म में आप क्वेश्चन आंसर वो अपलोड कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं आज हमारे एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। तो आज जो आर्टिकल है सबसे पहले वो है पद्मावती मूवी के बारे में है। तो इस आर्टिकल में जो पॉइंट है हम उनको एक बार देख लेते हैं जो कि GS2 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में बताया गया है कि रानी पद्मावती मूवी है वो जब से संजय लीला भंसाली ने मूवी बनाने की बात आई थी तभी से मूवी काफ़ी सुर्खियों में रही है, और इसमें काफ़ी आरोप लगे हैं कि रानी पद्मावती का जो कैरेक्टर है उसमें छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं, चाहे करणी सेना हो या राजपूतों के द्वारा काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं। तो इसके बाद हुआ ये कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को रिव्यू किया, और उसके बाद सेंसर बोर्ड ने इसे UA का सर्टिफिकेट दिया। तो UA का सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें ये प्रावधान होता है UA के सर्टिफिकेट में कि भाई इसको 12 साल के बच्चे या 12 साल से कम ईयर के जो भी बच्चे हैं वो पेरेंट्स की गाइडलाइन में ही इस मूवी को देख सकते हैं, तो ये UA सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद हुआ ये कि इस मूवी को राजस्थान, MP, हरियाणा और गुजरात में बैन कर दिया गया, और अभी रिसेंटली आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया कि आप बैन नहीं लगा सकते। मतलब ये 4 स्टेटों के द्वारा जो बैन लगाया गया था इस बैन को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया कि आप इस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्रीडम का जो भी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कॉन्सेप्ट है, उस फंडामेंटल राइट है, उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते स्टेट को। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मेनली आर्टिकल में बेसिकली 3-4 पॉइंट हैं, तो उनको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे केस दिया गया वो दिया गया S रंगराजन वर्सेज P जगजीवन राम जजमेंट 1989 की। तो इस जजमेंट में यह कहा गया है, इस जजमेंट में कहा गया है, इस जजमेंट के तरफ ये प्रावधान है कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट की लिस्ट में आता है, और स्टेट ये नहीं कह सकता कि भाई इस मूवी की वजह से हिंसा हो जाएगी इसकी वजह से हम इस मूवी को यहाँ पर रिलीज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि स्टेट का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, ना कि ये बोले कि मूवी को बैन कर दो। तो मूवी को बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगला यहाँ पे एग्जांपल आता है वो आता है प्रकाश झा प्रोडक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में ये प्रावधान था, इस केस में भी सेम ही गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की कि भाई ये मूवी थी मेरे लिए आरक्षण पे थी, तो इसमें ये था कि स्टेट है उसको स्टेट का काम हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, और उसके जो हिंसा वगैरह होती है अगर किसी मूवी के रिलीज होने से तो उसको रोकने का काम स्टेट का होता है, ना कि स्टेट ऐसे नहीं करेगा कि भाई मूवी को बैन कर दो कि मूवी रिलीज ना हो ताकि हिंसा ना हो। क्योंकि देखो मूवी है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है वहाँ पे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 है। तो उस कंडीशन में मूवी को रिलीज होने से रोकना काफ़ी गलत बात है, क्योंकि सेंसर बोर्ड है उसने जो भी इस मूवी में चेंजेस करने थे वो ऑलरेडी चेंजेस कर दिए, कुछ सीन कट वगैरह करने थे। इसी के साथ जो मूवी का नाम था वो भी चेंज कर दिया, पहले मूवी का नाम था वो पद्मावती था, अब मूवी का नाम वो पद्मावत कर दिया गया। तो मतलब जो भी चेंजेस करने थे उस चेंजेस करने के बाद अगर सेंसर बोर्ड ने जब गाइडलाइन
ने, सेंसर बोर्ड ने जब सर्टिफिकेट दे दिया, तो उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात के साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो स्टेट की आती है। तो स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है और इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम को जो भी स्टेट है वो ऐसे कह दे कि नहीं भाई स्पीच को और जो एक्सप्रेशन है उसको हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारे से लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि स्टेट का काम है लैंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो स्टेट को लैंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, इसी के साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि पद्मावती मूवी को लेके जो भी रिलीज होने की बात है तो मतलब इसमें दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है स्टेट को, स्टेट ऐसा एक ही पॉइंट को लेके यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते। इसके बाद ये आर्टिकल बता रहे हैं कि कई बार ऐसे भी रिसेंटली धमकी दी जा रही है कि भाई इस मूवी से काफ़ी हिंसा होगी, इसकी वजह से स्टेट इसे बैन कर रहे हैं। वो कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हिंसा वगैरह की धमकी दी जा रही है इसका मतलब स्टेट कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है। तो स्टेट को अपना लाइन ऑर्डर है उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना होगा और अच्छे रिजल्ट वो लाने होंगे। इसके बाद में अगला पॉइंट आता होता है सेंसर बोर्ड का। देखो सेंसर बोर्ड है वो एक स्टेचुरी बॉडी है, तो अगर सेंसर बोर्ड का कोई भी डिसीजन है तो उसको स्टेट है वो एक तरीके से दबा नहीं सकता, क्योंकि अगर स्टेचुरी बॉडी का कोई भी प्रावधान है स्टेट उसको कह रहा है कि नहीं हम इस मूवी को रिलीज नहीं हो देंगे, तो कहीं ना कहीं आपस में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जो कि काफ़ी गलत बात है। क्योंकि स्टेचुरी बॉडी ने ऑलरेडी जब डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई मूवी है वो रिलीज होगी, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, उसके बाद स्टेट ऐसा आनाकानी नहीं कर सकती कि मूवी को हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि अदरवाइज सेंसर बोर्ड की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो एक स्टेचुरी बॉडी है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक्ट के तहत बनाया गया। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है यहाँ पे कि सेंसर बोर्ड ने जब इसे सर्टिफिकेट दे दिया मूवी को तो मूवी है वो रिलीज होनी चाहिए और जो भी स्टेट है उसको लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करके चलना है। इसके बाद में देखो फाइनल कंक्लूजन में आर्टिकल में ये कहा गया है कि स्टेट को वो हिंसा रोकनी होगी, रूल ऑफ लॉ है उसको भी मेंटेन करना होगा, स्टेट को दोनों चीज़ें साथ लेके चलनी है। स्टेट को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमारा फंडामेंटल राइट है उसे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों के लिए। इसी के साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे भी मेंटेन करना है, तो दोनों चीज़ों को स्टेट को मेंटेन करते हुए चलना है। ये आर्टिकल था कंप्लीट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, इसमें सोलर एनर्जी के बारे में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम सोलर एनर्जी का यूज़ करें तो उससे क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए हैं, क्या क्या मिशंस वगैरह लेके आई है और उसमें क्या क्या खामी है, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे हैं जो कि हमारे लिए GS3 के टॉपिक में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखो आर्टिकल में बताया गया है कि स्टेट और जो पीपल हैं उन दोनों को मतलब स्टेट को भी इसी से फ़ायदा होने वाला है अगर सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसी के साथ जो लोग हैं उनको भी फायदा होगा, किसानों को भी इसी से फायदा होगा अगर वो सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं। तो देखो आर्टिकल बता रहा है कि सोलर पंप है और जो सोलर बिजली है अगर इसका यूज़ किया जा रहा है तो इससे एक तो कार्बन एमिशंस वगैरह कम होंगे, इसके साथ सिंचाई का दायरा वो भी बढ़ेगा, तो वो सारे पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। फिर यहाँ पे केस स्टडी दी गई है महाराष्ट्र की, कर्नाटक की और ईस्टर्न स्टेट्स की, तो एक दो हमें एक दो केस स्टडी यहाँ पे थोड़ी फोकस कर लेते हैं। तो आर्टिकल में बताया गया है कि महाराष्ट्र में जो सोलर पैनल है उसके आधार पर बिजली है वो जनरेट की जा रही है, फिर उस बिजली को फीडर के तहत किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि तो कार्बन का एमिशन कम हो रहा है, दूसरा सोलर एनर्जी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है, तो इससे किसानों को फायदा होगा और मतलब एनर्जी है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस की जाएगी, तो काफ़ी फायदे हो रखते हैं और इसकी दिशा में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अच्छा कदम है वो उठाया गया है। अगली बात आती है होती है कर्नाटका की, कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी अच्छा स्टेप उठाया और इस कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी सेम इसी तरह के कॉन्सेप्ट में ये प्रावधान किया है कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट लेके आई है कर्नाटका गवर्नमेंट। तो देखो नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट वो होता है कि अगर से किसान है, अगर किसान सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और वो पंप वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो मीटर के थ्रू जो फीडर है वहाँ पे सप्लाई हो जाएगी, तो मतलब एक तरीके से रिवर्स सप्लाई हो जाएगी, तो उसका जो भी पैसा मिलेगा वो किसान को मिलेगा कि हाँ भी किसान उस पैसे का यूज़ कर सकता है। इसके बाद होगा कि अगर वापस किसान को जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो वो किसान वापस फीडर से इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, तो नेट जो मतलब प्लस माइनस हो जाएगा उसका आधार रहेगा कि हाँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी किसान ने यूज़ की उसके बेसिस पर किसान का बिल आएगा। तो इस तरीके को बोलते हैं नेट मीटरिंग, मतलब इस तरीके की मीटरिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों साइड सप्लाई होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों साइड के ऑप्शंस होते हैं, तो इसको नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। इसी के साथ अगली बात आती है वो आती है ईस्टर्न स्टेट में। तो आर्टिकल कह रहा है कि ईस्टर्न स्टेट में भी जो जर्मन की डेवलपमेंट एजेंसी है उसने एक्चुअली सोलर प्लांट है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट वो देखने को मिल रहा है। इसके बाद आर्टिकल कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि 2021 तक 10 लाख सोलर पंप है उनको डिस्ट्रीब्यूट मतलब 10 लाख सोलर पंप है वो लगाने हमारे इंडिया में, बट अभी तक देखा जाए तो इंडिया में लगभग 1,42,000 सोलर पंप वो लगाए गए हैं,
तो आर्टिकल कह रहा है कि काफ़ी जो टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट का वो काफ़ी भी पीछे रह गया। गवर्नमेंट मतलब टारगेट को अचीव नहीं कर पा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रावधान भी किए हैं, बट उसमें काफ़ी कुछ कमियाँ रह गई हैं, तो उनको भी यहाँ पर कंसिडर करने की ज़रूरत है। फिर आर्टिकल बता रहा है कि इंडिया में 132 मिलियन किसान हैं और 28 मिलियन सिंचाई के पंप हैं, उसके बाद भी सोलर पंप वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जा रहे हैं, सोलर पंप वो लगे नहीं लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं नहीं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रह पा रही है, पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं या फिर उनको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए फिर आर्टिकल बता रहा है कि हमारे देश में जो जिस एरिया में मतलब सिंचाई वगैरह खेती की जाती है, जो खेती लायक एरिया है उसमें 53% एरिया में तो बारिश पे ही खेती होती है। मतलब 53% जो एरिया है हमारे देश का वो तो एग्रीकल्चर का जो एरिया है, सॉरी 53% उसमें तो बारिश ही डिपेंड करती है कि बारिश होगी तभी उस पर सिंचाई होती है। तो इससे कुछ फ़ायदे हो सकते हैं अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं इन एरियाज़ में। तो इसका एक तो फ़ायदा ही हो सकता है, अगर हम सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं तो जिन एरियो में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है उस एरिया में भी सिंचाई है वो बड़ी मतलब सिंचाई इरीगेशन वो की जा सकती है। तो मतलब एक तो सिंचाई का दायरा है वो बढ़ जाएगा, दूसरा है कि कार्बन एमिशन वो कम होगा, क्योंकि देखो अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो या तो डीजल से जनरेट की जाती है या फिर उसके बाद पावर प्लांट वगैरह से, तो उसका क्या कार्बन एमिशन होता है, तो एक तो इस चीज़ से फायदा होगा। और सोलर एनर्जी है उसका कोई नुकसान नहीं है, तो वो काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसी के साथ अगला पॉइंट ये दे रहे हैं कि स्टेट है उसके ऊपर भी बिजली का बोझ है वो कम हो जाएगा, बिजली की सॉरी सब्सिडी का, क्योंकि देखो अभी क्या होती है कि स्टेट हैं वो सभी मतलब कि फार्मर्स को क्या करती हैं कि बिजली के ऊपर सब्सिडी देती हैं ताकि फार्मर्स अपनी आजीविका उसको सिक्योर कर सकें। और अगर इस तरीके के सोलर पंप यूज़ किए जाएंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि बिजली पर सब्सिडी वो कम देनी होगी किसानों को, तो इससे स्टेट को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अगली बात यह है कि एक तो वेदर पर निर्भरता है, मतलब जो मौसम है उसके ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज किसान है वो मौसम पर डिपेंड करते हैं कि कब बारिश होगी तब वो फसल बोएंगे। अगर सोलर पंप का यूज़ करेंगे तो इससे वेदर के ऊपर या मतलब मौसम के ऊपर निर्भरता है वो कम हो जाएगी, तो किसान अपनी फसल वो आराम से अच्छी प्रोडक्शन वो कर सकेंगे। बट आर्टिकल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के जो द्वारा अप्रोच लेके आई गई है उन अप्रोच में कुछ कमी है, उनको कुछ गवर्नमेंट को चेंज करना होगा। इसी के साथ जो फार्मर्स की नीड है उनको कंसिडर करना होगा, मतलब कि गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि फार्मर्स को ज़रूरत क्या है। भाई गवर्नमेंट को यह देखना पड़ेगा ना कि किसान को चाहिए क्या, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को पॉलिसी है या अपनी अप्रोच है वो लेके आनी होगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जानबूझ के किसानों पर थोपे। तो इसके बारे में फिर राइटरों को सुझाव दे रहे हैं, तो राइटर के द्वारा मेनली 7 सुझाव दिए गए हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले राइटर सुझाव दे रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर जिन एरिया में काफ़ी अच्छा है उस एरिया में एक्चुअली हम मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा, कि देखो जिन एरिया में ग्राउंड वाटर काफ़ी अच्छा है उस एरिया में जो मार्जिनल किसान है छोटे किसान हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करते हुए वहाँ पर पंप वगैरह वो डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए ताकि मार्जिनल किसान हैं वो भी अपनी खेती है वो ढंग से कर सकें। अगला पॉइंट आता हुआ आता है कि सोलर पंप के साथ साथ गवर्नमेंट को जो माइक्रो इरिगेशन की तकनीक है टेक्नोलॉजी है उन पर फोकस करना होगा, जैसे कि ड्रिप पद्धति होती है सिंचाई की, तो इसका यूज़ करने से फायदा ये होगा कि एक तो पानी की बचत होगी और सोलर पंप के द्वारा अगर यूज़ किया जा रहा है तो उससे होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी कंजप्शन है वो कम होगा। तो इन दोनों चीज़ों पर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, मतलब ड्यूल टू इन वन वाला रेशियो गवर्नमेंट को यहाँ पर चलना होगा कि दो काम एक साथ करने होंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट को जो हमारे देश में 5 ब्लॉक हैं हर ब्लॉक के अंदर एक्चुअली 5 सोलर पंप वो लगाने होंगे। देखो सोलर पंप लगाने से ये होगा कि अगर गवर्नमेंट हर ब्लॉक में अगर 5-5 सोलर पंप लगा रही है तो उसका फ़ायदा ये मेनली किसानों को ये होगा कि किसान एक तो अवेयर होंगे कि अच्छा भाई टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है और सोलर पंप से हमें ये चीज़ें फ़ायदा हो सकती है। मतलब किसानों को अवेयर कराना तो ज़रूरी है ना कि भाई सोलर पंप से आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको फ़ायदा हो सकता है। जब तक किसानों को इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, किसान इस चीज़ को डेमो वगैरह नहीं देखेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा ना इस चीज़ का कि इस चीज़ से फ़ायदा हमें क्या हो सकता है। तो बेटर यही होगा कि गवर्नमेंट को पहले सिक्योर या सुनिश्चित करना चाहिए और हर एरिया में सोलर पंप है उसका डेमो दिखाना चाहिए, एक तरीके से सोलर पंप वो लगाने चाहिए ताकि किसानों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस का पता वो चले। अगला पॉइंट ये आता है कि देखो जिन एरिया में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है उस एरिया में गवर्नमेंट को एक्चुअली सोलर पंप की बजाय सोलर जो सब स्टेशन है उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब वहाँ पे सोलर पंप लगाने की बजाय गवर्नमेंट को जो स्टेशन जिस फीडर के थ्रू या जिस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है किसानों को उस एरिया में वहाँ पर सोलर एनर्जी वो प्रोड्यूस करनी चाहिए ताकि फीडर के तहत किसानों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए। क्योंकि देखो उस एरिया में अगर गवर्नमेंट है अगर वो सोलर पंप लगाएगी तो गवर्नमेंट का खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा और किसान भी इंटरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि किसानों के पास ऑलरेडी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट को उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी पे ही फोकस करना चाहिए ना कि सोलर पंप पे। अगला पॉइंट ये आता है कि जो कम्युनिटी बेस्ड जो पंप है उसको प्रमोट करना होगा। कम्युनिटी बेस्ड ये है कि समुदाय है उनको मतलब 10-15-20 किसान है वो आपस में एक
एक सोलर सेट सोलर पंप ले लें, फिर उस तरीके से आपस में यूज़ कर सके जैसे जैसे उनकी डिमांड हो उस तरीके से। और अगला ये आता है कि सोलर पंप है उसको शेयर करना ताकि किसानों के बीच में भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। देखो कई बार ऐसा होता है कि एक किसान है उसका खेत में अगर सोलर पंप यूज़ किया जा रहा है, अगर उसको ज़रूरत नहीं होती है कई बार किसी केस में, तो उस कंडीशन में अगर वह अपने पड़ोसी किसान को अगर सोलर पंप वो शेयर करता है तो उससे क्या है कि सोलर पंप के ऊपर निर्भरता है वो भी सिक्योर, वो भी एक तरीके से मेंटेन हो जाएगी। और इसी के साथ जो पड़ोसी किसान है उसको भी अगर ज़रूरत होगी तो वो पंप वगैरह यूज़ कर सकता है। तो मतलब कि पंप है वो शेयरिंग वगैरह आपके तरीके से भी गवर्नमेंट के वो अवेयर सॉरी आर्टिकल कह रहा है कि मतलब सोलर पंप है उनको शेयर करना चाहिए किसानों के बीच में, ताकि इससे किसानों के बीच में भी सहयोग बढ़ेगा और सोलर पंप का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन है वो हो सके। अगला पॉइंट फिर ये आता है लास्ट कि किसानों के जो इंटरेस्ट है, जो किसानों को सॉरी जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे सब्सिडी देनी चाहिए। मतलब किसानों को जो सोलर पंप लेने के लिए जो ब्याज होती है उसके ऊपर सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पंप है वो खरीदें। इसके बाद आर्टिकल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट को अगर अपने टारगेट पूरे करने हैं तो इसके लिए सबसे अहम बात यही है कि इन चीज़ों पे जो सारे पॉइंट बताए गए हैं, सात सुझाव दिए गए हैं, इनके ऊपर फोकस करना होगा। और इसी के साथ गवर्नमेंट को अपने टारगेट बिल्कुल पूरे करने होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया है कि 2022 तक 100 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर एनर्जी के द्वारा जनरेट की जाएगी। तो अगर ये जो नॉन रिन्यूएबल जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं इनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। इसी के साथ हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज, हमने कार्बन एमिशन को कम करने की बात की थी, तो वो सारे पॉइंट अगर हमें क्लियर करने हैं तो बेटर ये होगा कि हमारे जो टारगेट रखे गए उनको हमें अचीव करना है। और उसके लिए हमें जो भी हमारी पॉलिसी है उनको प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट करना होगा और अच्छे रिजल्ट है वो लेके आना होगा। किसानों की जरूरत के अकॉर्डिंग जो भी पॉलिसी है वो हमें बनानी होगी। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल इधर। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली ओनर किलिंग को लेके हैं। तो यह मेनली GS4 में एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहाँ पर इस आर्टिकल का यूज हुआ है। तो देखो ओनर किलिंग को लेके है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्चुअली अपनी गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का अभी अपनी जजमेंट हुआ थी कि खा पंचायत हैं वो क्या कि अपने जो भी कपल वगैरह होते हैं उन एरिया में उनके रिलेशंस वगैरह को लेके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। मतलब जो कपल लोग होते हैं शादीशुदा वहाँ पे जैसे इंटरकास्ट मैरिज हो जाती है तो उस कंडीशन में खा पंचायत उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस वो नहीं कर सकती। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे आर्टिकल कुछ पॉइंट बता रहे हैं। तो आर्टिकल ये कह रहा है कि जो खाप पंचायतें होती हैं वो मेनली नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं और उनका एक्चुअली वहाँ पे दबदबा वो बहुत ज़्यादा है और वो एक्चुअली लोगों को काफ़ी मतलब एक तरह से उनकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप की होती है, उनका ओपिनियन है वो कंजर्वेटिव है, जिसकी वजह से आज के टाइम पर उनकी जो रिलेवेंस है वो सही नहीं है। पहले के टाइम पर तो क्या वो जुडिशरी का काम करती थी तो ठीक है, उस टाइम पर तो क्या था हमारे देश में न्यायपालिका नहीं थी तो उस टाइम पर तो खाप पंचायतों की वैल्यू थी, बट आज हमारे देश में जब जुडिशरी है तो खाप पंचायतों की उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। आर्टिकल कह रहा है कि हाँ कुछ जगह ऐसी भी कि खाप पंचायतें वो अच्छा कदम उठा रही हैं, जैसे कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया गया उनकी तरफ से, तो कुछ अच्छे स्टेप भी उठाए गए हैं, बट जो अच्छे स्टेप उठाए गए हैं वो काफ़ी कम है और जो इस तरीके से जो गलत डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मतलब पहले आर्टिकल ये बता रहे हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर काफ़ी कई बार जो खाप पंचायतें ओनर किलिंग करवा देती हैं तो उसको लेकर काफ़ी बवाल उठता है। उसी के साथ ओनर किलिंग को अलग अभी गवर्नमेंट है वो चाह रही कि अलग से ऑफेंस वो माना जाए और उसके लिए गवर्नमेंट वो 2010 में एक बिल भी लेके आई थी बट वो बिल वो पास नहीं हो पाया पार्लियामेंट में। इसके बाद गवर्नमेंट 2017 में एक प्राइवेट मेंबर भी लेके आ गई जो कि कैंसिल हो गया, मतलब वो भी पास नहीं हो पाया। तो आर्टिकल ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इसके लिए ऑफेंस मतलब एक प्रॉपर कानून बनाना होगा खाप पंचायतों के लिए, ताकि इस तरह के क्राइम वगैरह हैं वो ना हो, क्योंकि इससे हमारे समाज की जो वैल्यू है हमारे जो डेमोक्रेसी की बात आती है वो कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है इसका। और इसके साथ जो इंटरकास्ट मैरिज का जो मुद्दा है वो एक्चुअली उनका पर्सनल इश्यू होता है, मतलब उनके पर्सनल राइट है कि हर इंसान का कि वो इंटरकास्ट मैरिज करे नहीं करा, तो उस कंडीशन में खाप पंचायतें वो किसी को प्रेशर नहीं लगा सकती। और कई बार ऐसा होता है कि खाप पंचायतें होती हैं वो एक्चुअली पेरेंट्स से ओनर किलिंग करवाती हैं कि आप भी ओनर किलिंग करो उन दबाव में सोसाइटी के रहने के डर से, कई बार उनको मतलब गांव से बाहर कर दिया जाता है, समुदाय से बाहर कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में डर के मारे वो क्या करती हैं ओनर किलिंग करती हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो मेरे लिए आर्टिकल यही कह रहा है कि जो खा पंचायतों का दबाव वगैरह में जो काम करा जाता है तो उसको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए और इसके लिए अलग से एक ऑफेंस कानून वगैरह वो बनाना चाहिए, ताकि खा पंचायतों का जो भी गलत डिसीजन है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और मेरे लिए नॉर्थ इंडिया का एग्जाम्पल दिया गया कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है हर मतलब हर सभी जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है और वहाँ पर अलग इसकी रूल रेगुलेशन है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले पद्मावती मूवी को लेकर जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन गाइडलाइन है वो जारी की है कि भाई जो मूवी है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रही है तो इस चीज़ का उल्लंघन वो नहीं किया जा सकता और स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हिंसा हो रही है तो उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। इसके बाद हमने देखा अगला आर्टिकल था एग्रीकल्चर सेक्टर और इसमें जो सोलर एनर्जी है उसके बारे में कि सोलर एनर्जी का किस तरीके से यूज़ करके एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा रिजल्ट है वो ले सकते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सुझाव वगैरह दिए गए हैं कि अगर गवर्नमेंट इन सुझावों पर फोकस करती है तो जो गवर्नमेंट के टारगेट रखे गए हैं 2022 तक के वो सारे पूरे हो सकते हैं।
इसके बाद हमने यहाँ पे अगला आर्टिकल है वो मैंने डिस्कस किया होनर किलिंग को लेके, जिसके बारे में खा पंचायतों का जो पॉइंट्स वो हमने डिस्कस किए और खा पंचायतों के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी हमने देखे कि उनके द्वारा काफ़ी अच्छे कई मिशन भी चलाए गए हैं और उनकी जो कमियाँ उनको भी हमने यहाँ पर फोकस किया। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।